नाजीन, डबीरपुरा पुलिस ने मख्तूल फैसल के खातिल को गिरफ्तार कर लिया। कल डबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में नागा बौली बड़े कब्रस्तान के मुतावली मोहम्मद फैसल का नशे के आदि बाबा नगर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल नामी शख्स ने तेजधार हथियार से हमला करते हुए फैसल को जख्मी कर दिया था, जिसको फौरन उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो इलाज के दौरान फौत हो गए। जिसके बाद डबीरपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए खातिल की तलाश के लिए 3 खसूसी टीम में तश्कील दी थी, जिसके बाद आज पुलिस ने फैसल के खातिल मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। खातिल पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई केसेस भी दर्ज है। सुनते हैं मजीद तफसीलात डबीरपुरा SHO एम सत्यनारायण की जुबानी। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात में से दाजरा ब्यूरो रिपोर्ट DBN न्यूज। सर, ये कल मर्डर हुआ, क्यों हुआ, क्या, व्हाट वाज द रीजन? कल हमारे दलपुरा एरिया में पुलिस स्टेशन को 1 किलोमीटर दूर में एक नागाबौली ग्रेवयार्ड है। इसमें कल 8:20 PM को एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। इसमें ए डिसीज्ड इमाम अलीशा केयर टेकर है, पूरा ग्रेवयार्ड के मेंटेनेंस उन्हें देख लेते। ये डेड बॉडी रिश्तेदार से पैसे वसूल करके उन्होंने पूरा ग्रेवयार्ड को मेंटेनेंस करते। इसमें फीस में शेर को शेर होना पड़ के एक मोहम्मद अब्दुल बाबा नगर वाला उन्होंने 3-4-5 महीने से उनको डिमांड कर रहे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करे देने के लिए। उन्होंने रेवेन्यू का कैसे भी उनको ऊपर एक्शन लेने पर डिसाइड हो गए। कल इवनिंग 7:30 को ग्रेवर्ड गए, वहाँ एक डेड बॉडी आ रही बोल के एक वाजिद और 3 आदमी मट्टी निकल रहे डेड बॉडी कवर बरी करने के लिए मट्टी निकल रहे। उन्होंने अब्दुल्ला जाके उनको काम रख दिया। मेरे शेर आने बाद तुम काम करो बोल के उनको हुक्म दिया। इमीडिएटली इंसिडेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन मिला, उनको दोस्त अकरम इमरान मिलके उनको पास गया। वहाँ डिसीजन को एक्यूजर को आर्गुमेंट हुआ। इमीडिएटली आगे प्रेफरेंस से आया उन्होंने चौकी से चेस्ट में मारा, उन्होंने गिर गया, वहाँ से भाग गया। पुलिस स्टेशन स्टाफ को तीन पार्टी को डिवाइड कर टीम के डिवाइड करके 3 प्लेसेस में, एक ग्रेवर्ड में चर्च करने के लिए, एक बाबा नगर में चर्च करने के लिए, उन्होंने ज़्यादा टाइम किधर फिरते वहाँ एरिया में चर्च करने के लिए 3 टीम भेजा दिया। उन लोगों को बहुत तो काम करके आज 2 बजे को पकड़ के पीएस को लाया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, इससे पहले भी कोई केसेस है इसका? उन्होंने उनको ऊपर मोर देन 10-11 केसेस रिपोर्ट हुआ केसेस PT में, उन कोर्ट की भी अटेंड हो रहे। सर, इस पर PD एक्ट लगाएंगे, हम पक्का लगाएंगे, आउट शीट खोलेंगे, PD एक्ट को प्रोपोजल हमारे CP साहब को भी जाएंगे।